देखिए एक मसला बार बार उठता है हमारे यहाँ कि मस्जिद में जो लोग काम करते हैं, चाहे वो इमाम हो चाहे मौजिन हो या दूसरे लोग, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि इस काम पे इनको पैसा देना ही नहीं चाहिए, इनको सारा काम फ्री में करना चाहिए। और अगर कोई इमाम है या मदरिस है या कुछ है तो बहुत सारे लोग फतवा भी देते हैं कि इसका पैसा लेना हराम है, इसकी उजरत लेना हराम है। तो देखिए इस बारे में एक बहस है उलमा की यहाँ कि मस्जिद की का जो इमाम है वो पैसा ले सकता कि नहीं, जो मुअज्जिन है वो पैसा ले सकता कि नहीं, एक इख्तलाफ है उलमा में। हमारे नज़दीक उसमें राजे बात है कि ले सकता है, इमाम भी पैसा ले सकता है, मस्जिद भी पैसा ले सकता है, मुअज्जिन भी पैसा ले सकता है। लेकिन अगर मसला ये नहीं है, मसला इस इख्तलाफ के नहीं, मसला ये है कि आपने इमाम को रखा है तो किन शर्तों पर रखा है, आपने मुअज्जिन को रखा है तो किन शर्तों पर रखा है, आपने एक इमाम को रखा है उसके साथ जो आपकी डील हुई है, जो तय हुआ, वो एक अजीर के हिस्से से आपने रखा, यानी उसको आपने एक अजीर के हिस्से दिए, एक सैलरी आपने तय की है, उस बुनियाद पर आपने उसको रखा है। एक मुअज्जिन को भी आपने अजीर के हिस्से से रख दिया। ये जो बहस है ना कि पैसा लेना चाहिए कि नहीं, ये किसी को रखने से पहले बहस होनी चाहिए। यानी एक जिम्मेदार का अगर ये मौकिफ है, कोई भी मस्जिद का जिम्मेदार है, उसका अगर ये मौकिफ है कि पैसा नहीं लेना चाहिए इमामत का, तो पूरी दुनिया में दौरा करे, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करे और देखे कहाँ कौन है इमाम अवेलेबल है जो पैसा नहीं लेता, उसको लाके अपनी मस्जिद का इमाम बना दे। वो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करे और देखे कि कहाँ कौन सा ऐसा मुअज्जिन अवेलेबल है जो पैसा नहीं, उसको लाके रखे। लेकिन एक जिम्मेदार ऐसा काम नहीं करेगा, यानी जो फ्री में काम करने वाले उनको तलाश करके नहीं लाएगा, एक ऐसे इमाम को लाएगा जो कहता मैं पैसा लूंगा और उससे डील करके तय करके उसको रख लेगा, और ऐसे मुअज्जिन को लाएगा जो पैसा ले रहा उसको भी लाके रख देगा, और एक दो महीने के बाद शोर मचाना शुरू करेगा, ये कैसे लोग हैं, ये दीन बेच रहे हैं, फलां बेच रहे हैं, ये कर। अरे भैया अगर आप आपको दीन नहीं बेचना है, आपके सब काम नहीं कर रहा, तो आपने कैसे, क्यों ऐसे लोगों को रखा आपने, क्यों ऐसे इमाम को रखा जो पैसा ले रहा है, क्यों ऐसे मुअज्जिन को रखा जो पैसा ले रहा है। तो आप जाइए ना पूरे हिंदुस्तान का दौरा कीजिए, ढूंढ के लाइए ऐसा इमाम, ढूंढ के लाइए ऐसा मुअज्जिन जो फ्री में जो है काम कर रहा है,